इंडियन प्रीमियर लीग ने हमको बता दिया कि बेटा तुम लोग की यही औकात है कि हम जो है अपनी विनिंग टीम को, लेडीज की, ये जेंट्स की नहीं, लेडीज की विनिंग टीम को हम इतना प्राइस दे सकते हैं कि जिसके अंदर तुम्हारी 2-3 पीएसएल इकट्ठी हो जाए। और बाकी में ऐसा ही है, इंडियन प्राइज मनी यानी कि 6 करोड़ रुपए विनिंग टीम को देना और इंडियन प्राइज मनी यानी कि 3 करोड़ रुपए रनर अप को देना। आदमी को जैसे कहते हैं चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए क्योंकि वुमेन्स ने सारा मैदान मार लिया। आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल क्रिकेट के अंदर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई है। फर्क आ गया, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने, 60-80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का। इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। आपको बताऊं मैं, हैरानी वाली बात है, लोग शॉक में, सदमे में, हार्ट अटैक आ गया लोगों को जब उन लोगों ने ये लाइव देखा। अभी तो उनको सिर्फ इंडियन रुपीज में नजर आया है, मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो भाई आपके तो नस्लें चल जाए, कोई 7 नस्ल जाए आपके, उसमें बड़े सुकून से जो है रोटी छोटी खा ले। भाई ये फ्रेंचाइज लीग है, इसके अंदर है पैसा फेंक, तमाशा देख, मैनू नोट बखा, मेरा मूड बने, तो मूड उसी वक्त बनेगा जब नोट होंगे और नोट हैवी करेंसी। बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और बकरी बाबर आजम, हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है, टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है, अंदाजा लगा लो भाईजान, अंदाजा लगा लो। और हम लोग पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से करते हैं, WPL से नहीं, वुमेन से नहीं करते, हम IPL से कंपैरिजन करते हैं। अगर ये जो 6 करोड़ रुपए अगर आप ये हमको डोनेट कर दे भाई, हम तो कर्जा उतार लेंगे अपना। इंडिया का 90 लाख रुपीज जो है वो रनर अप को दिया जाता है पीएसएल के अंदर। और अब भी जो लोग कहते हैं कि पीएसएल बड़ी जबरदस्त लीग है, आउटस्टैंडिंग लीग है, अब घंटे के लिए, इसका मतलब है स्मृति मंदाना बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, उसकी प्राइस वैल्यू बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है और घंटे को हमने किंग बना दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन खत्म हो चुका है और इस बार RCB ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जो काम 16 साल से IPL में RCB की मेंस टीम नहीं कर पाई, आखिरकार RCB फैंस को वो सपना WPL में पूरा हुआ। स्मृति मंदाना की कप्तानी में RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। WPL की विनिंग टीम और रनर अप को जितनी प्राइज मनी मिली है उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी सदमे में चले गए हैं। RCB की इस जीत के बाद टीम पर पैसों की बारिश हुई है, वहीं हारकर भी दिल्ली कैपिटल्स की बेटियां करोड़ों में खेल गई। WPL 2024 के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हुई क्योंकि भारत की बेटियां उनकी PSL लीग से ज़्यादा पैसे कमा गई। IPL से प्रेरित होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL की शुरुआत की थी। पड़ोसी मुल्क अक्सर PSL को IPL से बेहतर बताता है, मगर जब बात प्राइज मनी की आती है तो उन्हें खुद ब खुद आईना दिख जाता है, तब पाकिस्तान को समझ आता है कि कौन कितने पानी में है। पाकिस्तान सुपर लीग की प्राइज मनी IPL से तो छोड़ो, भारत की WPL लीग से भी कम है। वहीं बात पाकिस्तान सुपर लीग की प्राइज मनी की करें तो PSL में विजेता टीम को $120 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी रुपए में विजेता टीम को राशि भारतीय राशि के अनुसार 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं उप विजेता टीम को 1.4 करोड़ रुपए मिलते हैं। PSL की प्राइज मनी WPL की तुलना में आधी है। वहीं अगर हम WPL की बात करें तो इस बार RCB को जीत कर यानी कि विनिंग टीम को 6 करोड़ रुपए मिले हैं और हारकर भी DC को 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। RCB का जीतना, विराट कोहली का वीडियो कॉल करना और इंडियन प्राइज मनी यानी कि 6 करोड़ रुपए विनिंग टीम को देना और इंडियन प्राइज मनी यानी कि 3 करोड़ रुपए रनर अप को देना, जिसके अंदर PSL के 2-3 सीजन इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब अब हमारी यह औकात रह गई कि इंडियन प्रीमियर लीग ने हमको बता दिया कि बेटा तुम लोग की यही औकात है कि हम जो है अपनी विनिंग टीम को, लेडीज की, ये जेंट्स की नहीं, लेडीज की विनिंग टीम को हम इतना प्राइस दे सकते हैं कि जिसके अंदर तुम्हारी 2-3 PSL इकट्ठी हो जाए। और बाकी में ऐसा ही है, लिटरली मैं आज आप लोग को बताता हूं कि PSL पाकिस्तान में विनिंग प्राइस कितनी दी जाती है PSL को या पाकिस्तान की जीतने वाली टीम को, लेकिन और इंडिया में जो है वो कितनी दी गई है। मतलब आपको बताऊं मैं, हैरानी वाली बात है, लोग शॉक में, सदमे में, हार्ट अटैक आ गया लोगों को जब उन लोगों ने ये लाइव देखा। अभी तो उनको सिर्फ इंडियन रुपीज में नजर आया है, मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो भाई आपके तो नस्लें चल जाए, कोई 7 नस्ल जाए आपके, उसमें बड़े सुकून से जो है रोटी छोटी खा। मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ प्राइज मनी PSL का और ये हमारे पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसमें क्या प्राइज मनी दी गया है। रनर अप को दिया गया है इंडियन 3 करोड़ रुपीज। रनर अप को कितना दिया गया, इंडिया 3 करोड़ रुपीज, और पाकिस्तान के कितने बनते, 10 करोड़
10 करोड़ 11 लाख 53 हजार 231 रुपए। अबे इतने पैसे होते हैं? इतने पैसे होते नहीं। 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो वो रनर अप को दिए गए WPL में। और PSL के विनर को कितने दिए जाते हैं आपको पता है? PSL के विनर को दिए जाते हैं 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, जो कि इंडिया के करीबन मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 करोड़ बनते होंगे यार। अबे इतना बेइज्जती, ये तुम लोगों ने पाकिस्तान को सीधा सीधा नीचे दिखाने के लिए किया है। अच्छा और विनर को कितने दिए गए उसके बारे में बताओ तो भाई। 6 करोड़ विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की GDP उठा के, जो है हमारे पाकिस्तान की है, ये पूरी GDP उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। वो क्या करेंगे अगर ये जो 6 करोड़ रुपए अगर आप ये हमको डोनेट कर दे भाई, हम तो कर्जा उतार लेंगे अपना सीरियसली। क्योंकि 6 करोड़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं अगर मैं आपको बताऊं? पाकिस्तान के बनते ये 20 करोड़ 23 लाख 6,462 रुपए। 20 करोड़ 23 लाख 6,462 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं भाई। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप की अगर बात करते हो ना, मतलब मुश्किल से शायद कोई 3 या 4 हजार बंदा, ऑफिशियली तौर पर बता रहा हूँ, 3 या 4 हजार बंदा कराची में मैच देखने आता है। और जो दिल्ली में मैच हुआ, मैं जो हूँ आज का दिन में मैं जा रहा हूँ PSL का फाइनल देखने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के लिए, उसमें मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भाई कितने लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए। और अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो भाई दिल्ली के क्राउड को अगर आप देखो ना, जहां जहां पर आपकी नजर जा रही है वहां पर आपको क्राउड पूरा खचा खच भरा हुआ दिखाई देता है। यहां से आपको पता चलता है कि इंडिया में क्रिकेट को चाहने वाले कितने, चाहे वो मेंस की हो वुमेंस की हो, और WPL क्यों आखिर PSL से बहुत ज्यादा बड़ी है। आप खुद सोचो कि भाई, मतलब मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई ये कहां से आता है इतना क्राउड भाई, इतना क्राउड, इतना टाइम कैसे लोग हैं बस के भाई। WPL को तुम लोगों ने वर्ल्ड कप का फाइनल बना दिया। जब आपकी लीग का मैयार ये होगा, जब आपकी लीग का प्रोफेशनल लेवल नहीं होगा तो खिलाड़ी इसी तरह करेंगे भाई। ये फ्रेंचाइज लीग है, इसके अंदर है पैसा फेंक तमाशा देख, मेनू नोट बखा मेरा मूड बने, तो मूड उसी वक्त बनेगा जब नोट होंगे और नोट हैवी करेंसी। ये आप देखिएगा कि अब जो तरीकेकार चल रहा है आगे चलते चलते, मुझे लग रहा है कि अगर दो लीगें पाकिस्तान के साथ कोई दूसरी लीग का टाई पड़ गया, कोई पाकिस्तान की PSL लीग खेलने नहीं आएगा। आप भले ढिंडोरा पीटते रहो, दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में थी दूसरे नंबर की, पैसे भी बढ़ गए, जलमी हार गया बाहर हो गया सिर्फ बॉलिंग ना होने की वजह से। और कितना कहा था जी शमार जोधा जलमी ये वो बात हुई, वो आया ही नहीं खेलने, और जबकि जलमी का बैंड बजने में उनकी बॉलिंग का हाथ है कि उनके पास बॉलिंग नहीं थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी जो उनका मैच हुआ उसके अंदर आप देखें, ठीक है वो हैदर ने इमाद वसीम ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन भाई बॉलिंग। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन WPL में विनिंग टीम और रनर अप को मिली प्राइज मनी को देखने के बाद। आपकी राय में क्या PSL कभी इतना पैसा दे पाएगा या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।